नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खास पेशकश अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ मनीषा शर्मा। चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबरों की तरफ। यूपी के श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष और राज्य मंत्री पंडित सुनील भरण ने आज न्यूज वर्ल्ड इंडिया से खास बातचीत की है। साथ ही उन्होंने इस दौरान न्यूज वर्ल्ड इंडिया से वेस्ट यूपी हेड से अपनी योजनाओं को लेकर भी महाराष्ट्र में गिरफ्तार किए गए केंद्रीय मंत्री और तालिबान को लेकर बेबाकी के साथ बात की है। देखिए सीधी बातचीत में मंत्री ने क्या कुछ कहा है। आज पंडित सुनील भाला राज्य मंत्री सर के ठाकुर पहुंचे हुए हैं और उन्होंने आज कई घोषणा की है। सबसे पहले तो उन घोषणाओं को जान लेते हैं कि आखिर किस मुद्दे को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मेरे साथ पंडित सुनील भाला है जो कि राज्य मंत्री है। पंडित जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज आपने विभागीय बैठक की थी, उसके बाद कुछ घोषणाएं की है, सबसे पहले तो बता दीजिए क्या क्या है। हमने अपने जो श्रमिक परिवार की बेटी है उनके बच्चे पुत्रियों के लिए विवाह कन्या योजना यानी कि ज्योति बा फूले विवाह कन्या श्रमिक योजना के लिए उसे 15,000 रुपए से बढ़ाकर के 51,000 रुपए किया है। अब हम श्रमिक परिवार की पुत्री को 51,000 रुपए कन्यादान के रूप में देंगे और इस योजना का नाम हमने ज्योतिबा फूले विवाह श्रमिक कन्या योजना रखा है। चेतन चौहान खेल क्रीड़ा श्रमिक प्रोत्साहन योजना जिसको हमने 10,000 रुपए जिला में श्रमिक खेलने वाला उस परिवार के बच्चे को 25,000 रुपए की धनराशि और जो प्रदेश में खेलेगा उसको 50,000 रुपए की धनराशि और जो केंद्र में खेलेगा उसको 75,000 रुपए की धनराशि और जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल के श्रमिक परिवार का बच्चा आएगा उसको 1,00,000 रुपए की धनराशि प्रोत्साहन के रूप में देकर के उसका उत्साह बढ़ाने का काम हमने 29 तारीख को जो अपने मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के अवसर पर उसका शुभारंभ करेंगे और राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में है तो उस योजना का हम शुभारंभ मेरठ से स्टेडियम से प्रारंभ करेंगे। मेरा एक दो बातें हैं, मेरी दो क्वेश्चन है जिस वक्त तो काफी हॉट है। एक तो आपके केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार किया गया है, क्या कहेंगे इस पर महाराष्ट्र सरकार के लिए? महाराष्ट्र सरकार खिंचाई हुई है और उस पर प्रशासन और शासन उस पर संभल नहीं रहा है। वहां की सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है और सरकार की हालत यह है कि जो खिजानी बिल्ली खंबा नोचे वो ऐसे राजनीतिक बड़े राजनीतिकों को लोगों को गिरफ्तार करके वो अपनी मानसिकता का परिचय दे रही है। तालिबान से लोगों को आपने निकाला है, उत्तराखंड में कुछ लोग पहुंचे हैं वो कह रहे हैं शुक्रिया क्योंकि मोदी जी के नाम पर उन लोगों को छोड़ा गया। तालिबानी ने उनसे कहा था कि आपको 13 गोली बहुत थी, हमारा मोदी जी से वादा था इसलिए आपको छोड़ दिया। लेकिन अब तालिबानियों का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मोदी जी को धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ऐसे में कोई ट्रेंड अभी मोदी जी के साथ क्लियर नहीं हुआ है। क्योंकि आप मंत्री हैं तो आपसे ये सवाल बनता है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए ये विश्व स्तरीय मामला है, इसे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को विश्व स्तर पर वार्ता करने के बाद वो अपने भारत के हित में जो भी निर्णय होगा वो निर्णय करेंगे और वो निर्णय हम सबको भारतवासियों को मान्य है और हमेशा मानते हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी का विवेक और विश्व स्तरीय वार्ता के बाद वो जो निर्णय लेंगे वो सबको मान्य। तो ये थे हमारे साथ पंडित सुनील भाला। इनका साफ तौर पर अफगान पर और शिवपाल यादव पर, इसके अलावा जो इस समय जो केंद्रीय मंत्री गिरफ्तार हुए उन पर तमाम चीजों पर बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी है। हालांकि आगामी 2022 के चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है, ऐसे में तमाम तरह के बयान आएंगे और हम आगे भी इनसे जानने की कोशिश करते रहेंगे कि आखिर उन बयानों पर जो उत्तर प्रदेश सरकार के नुमाइंदे हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। अपने सहयोगी बाबर के साथ मैं मनोज चौहान, न्यूज़ ऑन इंडिया, मेरठ। और फिरोजाबाद की एक महिला सिपाही ने एक ऐसा काम कर दिखाया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल और साथ ही केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने उसे सम्मानित किया है। 21 अगस्त को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मिशन शक्ति के तहत फिरोजाबाद की सिपाही को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि फिरोजाबाद के एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट में काम करने वाली 30 साल की महिला सिपाही है जिन्होंने बाल श्रमिकों के उत्थान और उनका बचपन बचाने के लिए अभियान छेड़ा हुआ है। रिंकी सिंह अपनी टीम के साथ उन बाल श्रमिकों को आजाद कराती हैं जो ढाबों पर, होटलों पर और रेस्टोरेंट में, हलवाई की दुकानों पर, गैराज में मजदूरी करते हैं। ऐसे बाल श्रमिकों को रिंकी सिंह और उनकी टीम खोजती है, ढूंढती है और फिर महिला सिपाही रिंकी सिंह ने अपने काम से सभी को प्रभावित कर दिया है। उनकी कोशिशों की वजह से ही एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फिरोजाबाद के बेहतर काम किया है। तो रेस्क्यू में भी फिरोजाबाद ने बढ़िया काम किया है।
30 साल की महिला सिपाही के द्वारा किए गए कामों को उत्तर प्रदेश सरकार ने काफी ज्यादा सराहा है और प्रशंसा की है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा एक प्रशस्ति पत्र, एक मोबाइल फोन देकर उन्हें सम्मानित किया गया है। तो मिशन शक्ति के तहत प्रशस्ति पत्र देकर इस महिला को सम्मानित किया गया है। और गोरखपुर आगामी चुनाव को लेकर जहां एक तरफ राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल हर मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश में जुटा हुआ है। प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष की पार्टी के पुराने इतिहास से किनारा करते हुए सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर सक्रिय नजर आने लगे हैं, जबकि कांग्रेस के नेता हर मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इन सब के बीच आजकल महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष और महाराष्ट्र विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और तेजी से मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों का दौरा भी कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ शुक्रवार को गोरखपुर के निवर्तमान महानगर उपाध्यक्ष और पार्षद जियाउल इस्लाम के आवास पर पहुंचे अबू आसिम ने इस दौरान कहा कि समाजवादी पार्टी में 351 सीटें जीतने का लक्ष्य समाजवादी पार्टी ने बनाया हुआ है। इतना ही नहीं, आसम खान के युग का अंत कहीं आपकी सक्रियता तो नहीं है, इसका जवाब देते हुए अबू आसिम आजमी ने ये कहा कि मैं तो यूपी का ही रहने वाला हूं और हर इलेक्शन में आता हूं। आजम भाई बीमार हैं, मैं काम कर रहा हूं, मुझे किसी ने नियुक्ति नहीं दी है और ना ही मुझे यूपी से कुछ भी चाहिए। कितनी सीटें आप लोग लेके आ रहे हैं? 351 सीट कम से कम। अच्छा, और यूपी में आजम खान के युगकांत आपका आपकी सक्रियता तो नहीं है? ऐसा है कि आजम भाई नहीं, बीमार हैं। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मैं हर इलेक्शन में आता हूँ, लेकिन अब मैं ज्यादा हाथ ग्रो कर रहा हूँ इसलिए कि आजम भाई बीमार हैं, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे किसी ने नियुक्ति नहीं दिया है, मुझे किसी की जगह नहीं लेना है, ना मुझे यूपी से कुछ चाहिए, लेकिन यूपी में समाजवादी पार्टी जीते और बीजेपी हारे, ये इसलिए मैं, मेरा संकल्प है, इसलिए मैं अपने साथियों के साथ मेहनत कर रहा हूँ। तो यूपी के दौरे पर हैं अबू आसिम आजमी, जो कि ये दावा कर रही हैं मीडिया के सामने बातचीत करते हुए कि इस बार समाजवादी पार्टी जो है वो 351 सीट लाने वाली है और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी ही प्रदेश में अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी। तो इस तरह का दावा करते हुए दिखाई दिए हैं समाजवादी पार्टी के नेता, यूपी के दौरे पर हैं अबू आजिम। तो इस दौरान आपको बता दें कि यूपी में समाजवादी पार्टी ने जीत का दावा किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए इन्होंने ये कहा कि निश्चित तौर पर, साफ तौर पर समाजवादी पार्टी इस बार राज्य में अपनी सरकार बनाने जा रही है, जो कि 351 सीटें लेकर आएगी। तो अबू आसिम आजमी यूपी के दौरे पर हैं। खबर बुलंदशहर से, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे राजवीर उर्फ राजू भैया ने पिता की अस्थियां विसर्जित की हैं। नाव में बैठकर बीच गंगा में जाकर अस्थि विसर्जित किए हैं और अस्थि विसर्जन के बाद राजवीर सिंह ने बताया कि परिजन अस्थि के अन्य कलश को लेकर काशी और अयोध्या समेत हरिद्वार भी पहुंचेंगे। इसके अलावा पार्टी निश्चित ये करेगी कि कहां कहां पर अस्थि विसर्जन करना है। परिजन आपस में बैठकर आगे की योजना तैयार करने वाले हैं। तो राजवीर सिंह ने अस्थि का विसर्जन किया है और इसके बाद इन्होंने ये बताया कि हरिद्वार भी जाएंगे परिजन और ये योजना तैयार करेगी कि अब कहां कहां जाकर उनकी अस्थियों को विसर्जित किया जाएगा। आज बाबू जी की अस्थि कलश हमने नरोड़ा में विसर्जित किया है। इसके बाद में 1 तारीख को बाबू की अरिष्टी है, अरिष्टी के बाद में ये तय करेंगे कि हमें कहाँ कहाँ जाना है, लेकिन अयोध्या जरूर जाएंगे।
तो लखनऊ से अब खबर आपको बता दें, जहां पर पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को लखनऊ पुलिस ने रेप पीड़िता को आत्मदाह के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। बताया ये जा रहा है कि पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर पर कार्रवाई एसआईटी जांच की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। इससे पहले मंगलवार को पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर और आईपीएस अमित पाठक से जांच समिति ने कड़ी पूछताछ भी की थी। इस जांच समिति में डीजीआर के विश्वकर्मा और एडीजी मीरा रावत भी शामिल रहे थे। दरअसल बलिया के रहने वाली पीड़िता वाराणसी के एक कॉलेज की छात्रा थी। उसने फेसबुक लाइव के दौरान वाराणसी में तत्काल एसएसपी रहे अमित पाठक, तत्कालीन सीओ भेलूपुर अमरेश सिंह बघेल, दरोगा संजय राय समेत अन्य पर सांसद को बचाने और उसे परेशान करने का आरोप भी लगाया था। तो रेप पीड़िता के मामले में रेप पीड़िता को आत्मदाह के लिए उकसाने वाले आरोपी आईपीएस अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। और तो तस्वीरें आपने देखी कि किस तरीके से इनको गिरफ्तार किया गया। इससे पहले हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई जहां पर रेप पीड़िता को आत्मदाह के लिए उकसाने का आरोप सीधे तौर पर पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर पर लगाया गया, जिसके बाद इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक बार फिर से न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि कल थाना सोनवा क्षेत्र के ककंधू गांव में कच्ची शराब पीने से जहां एक युवक की मौत हो गई थी, तो वहीं एक अन्य युवक की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसकी खबर न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने प्रमुखता से दिखाई थी। जिस पर श्रावस्ती का पुलिस प्रशासन हरकत में आया और जिले के सभी थाना क्षेत्रों में कच्ची शराब माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए श्रावस्ती के तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य ने सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया है, जिस पर श्रावस्ती का पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है, जिसके चलते थाना गिलौला पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम की तरफ से अभियुक्त प्रदीप पांडे गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से एक बोरे में 94 शीशी देशी शराब की बरामद हुई है। अभियुक्त के खिलाफ थाना गिलौला में मामला दर्ज किया गया है। वहीं गोरखपुर से खबर, जहां पर लगातार हो रही भारी बारिश से पिपराइच थाना क्षेत्र के गांव सभा लखेसरा में दीवार गिरने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही साथ एक नाबालिग की हालत गंभीर भी बताई जा रही है, जिसे पिपराइच सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मौके पर पहुंची पिपराइच पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो बारिश के बाद दीवार गिरने से ये बड़ा हादसा हुआ। हादसे में एक की मौत हो गई जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। तो भारी बारिश जो लगातार हो रही है और जगह जगह पर ऐसी भारी बारिश के बाद ये हादसे देखने को मिल रहे हैं, जहां पर इसी हादसे में एक दीवार गिरने से एक की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में फिलहाल गंभीर स्थिति में है। तो हादसे में एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल है जो कि अस्पताल में इस वक्त भर्ती हैं। तो भारी बारिश के चलते यह हादसा हुआ। और हरदोई में अब डीएम अविनाश कुमार के आदेश के बाद जहरीली शराब के कारोबारियों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब कारोबारियों की जमीन और साथ ही 3 लग्जरी कार समेत करीब 50 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की है। बेनीगंज में दर्ज हुए मुकदमे की तड़ियावा प्रभारी निरीक्षक द्वारा विवेचना की गई थी। संडीला में एसडीएम तहसीलदार, सीओ हरियावा और साथ ही तड़ियावा के प्रभारी निरीक्षक की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई। एसपी ने कहा कि इस प्रकार और इस तरह के अपराधियों को शरण देने वाले अथवा अपराधियों के गुर्गों पर भी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि बैलीगंज कोतवाली में दर्ज एक मुकदमे में आरोपी मुकेश अवस्थी पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी, जिसमें विवेचना तटियावाड़ा के पुलिस को ये जानकारी मिली थी। यह प्रकरण जनपद हरदोई का है। यहाँ कुख्यात हिस्ट्री शीटर गैंगस्टर शराब माफियाओं की संपत्ति जब्त की गई है। इसमें तकरीबन 50 लाख बाजार कीमत की के प्लॉट
और 3 4-पहिया वाहन ये सरकार के पक्ष में पुलिस ने जब्त किया है। आपको बताना चाहूँगा कि 2019 में ये थाना बेनीगंज में शराब माफिया और शराब तस्करी से संबंधित मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी। हमारे थाना टणियावा के प्रभारी राय सिंह निरीक्षक के द्वारा ये विवेचना की जा रही थी। इसी विवेचना के दरमियान इन शराब माफियाओं जो कि एक इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग हैं, शराब माफियाओं का जहरीली शराब बनाते हैं, उसकी बिक्री करते हैं, इनके खिलाफ गैंग चार्ट बना करके गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी और इनकी संपत्तियों को चिन्हित करके इनकी संपत्तियों को जिलाधिकारी महोदय के आदेश के तहत कल दिनांक 26 अगस्त को सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया है। और वही सुल्तानपुर से खबर, जहां के चांदा कोतवाली क्षेत्र में जिलाधिकारी यानी डीएम कार्यालय परिसर में क्षेत्र से आए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा। इसी के साथ ही ग्रामीणों के साथ पहुंची महिलाओं ने भी इस दौरान प्रशासन विरोधी नारे लगाए। आपको बता दें कि 15 जुलाई को अज्ञात लोगों की तरफ से युवक के साथ मारपीट की गई थी और युवक को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया था, जहाँ डॉक्टरों ने युवक को लखनऊ रेफर कर दिया। वही पीड़ित ने 4 अगस्त को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने शव रखकर हंगामा काटा और मामले की जांच कर हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की, लेकिन आज तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, जिसके चलते ये विरोध प्रदर्शन किया गया। तो न्याय ना मिलने पर जो परिजन हैं, उन्होंने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। न्याय ना मिलने पर डीएम ऑफिस में जाकर उसके बाहर जाकर हंगामा काटा। परिजनों के द्वारा यह हंगामा किया गया। महिलाओं ने भी प्रशासन विरोधी नारे जमकर लगाए इस दौरान। तो न्याय ना मिलने पर डीएम ऑफिस में हंगामा देखा गया, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम जो महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं सब मिलकर डीएम कार्यालय के बाहर पहुंचे अपना विरोध जताने के लिए। तो महिलाओं ने भी प्रशासन विरोधी नारे लगाए हैं। दरअसल न्याय ना मिलने के कारण ये विरोधी महिलाएं जो हैं वो विरोध करने पहुंची हैं प्रशासन का, और डीएम ऑफिस के बाहर ये हंगामा देखा गया जहाँ पर महिलाओं ने प्रशासन विरोधी नारे लगाए हैं। तो सुल्तानपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर न्याय ना मिलने पर डीएम ऑफिस में हंगामा किया गया और पुरुष समेत यहां पर महिलाएं भी पहुंची हैं। हालांकि छोटे छोटे बच्चे भी यहां पर नजर आ रहे हैं महिलाओं के साथ, और यहां पर जमकर हंगामा काटा गया है। प्रशासन विरोधी नारेबाजी यहां पर की गई महिलाओं के द्वारा। क्या नाम है? राजीव कुमार। क्या मामला है आज जिलाधिकारी? छोटे छोटे बच्चों में झगड़ा हो गया था, हमारे भाई गए उनको समझाने के ऐसे झगड़ा बजनी मत करना, लेकिन वो लोग हम लोग के नाम FIR कर दिए। हम लोग थाने में गए, हम लोग भी FIR करने, वहाँ का कलीम सिपाही हम लोग को उठा के बंद कर दिया। शाम को 4 बजे 151 में चलान कर दिया। हम लोग लभुआ तहसील से अपनी जमानत करा के गए, शाम को 6:30 बजे घर पहुँचे, 9:53 पर वो लोग एकाएक हमला कर दिए, हमारे बाप को मार दिए। उनको CSC गाड़ी ले आई, चांदा अस्पताल में ले गई। हमारे भाई को भी मार दिया, उनको 3 बजे भोर में उनको हम लोग इलाज करवाने के लिए चांदा थाने ले गए, वहाँ से रिफ़र कर दिए गए सुल्तानपुर लेके गए। वहाँ उनकी आँख फट गई थी, वहाँ भी नहकार दिया। हम लोग लखनऊ लेके गए, लखनऊ में 2 बार ऑपरेशन हुआ उनका। ऑपरेशन के दौरान वो 2-2 बार ऑपरेशन हुआ, 20 दिन वहाँ एडमिट थे, वो उनकी मौत हो गई 4 तारीख को। आगरा के थाना कमला नगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पुलिस ने जुआ और सट्टा खेलने वाले 5 अभियुक्तों को पकड़ लिया है। शातिर सटोरिया अंकुश मंगल मौके से फरार होने में कामयाब रहा। हालांकि आरोपियों के पास से आपको बता दें कि मोबाइल लैपटॉप समेत अन्य सामान बरामद किया गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में फिलहाल जुटी हुई है। तो पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता मिली है, जहाँ पर सट्टेबाजों को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। तो आगरा से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और यहां पर सट्टेबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तमाम जो उनके पास से जो सामान बरामद भी किया गया है, तो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हालांकि पुलिस आगे के मामले में जो जांच पड़ताल होती है उसमें जुटी हुई है। तो शातिर सटोरिया यानी अंकुश मंगल मौके से फरार होने में हालांकि कामयाब रहा है।
और आरोपियों के पास से मोबाइल लैपटॉप समेत अन्य सामान बरामद किया गया है। तो मोबाइल और लैपटॉप भी आरोपियों के पास से बरामद किया गया है और पुलिस जो है वो आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है, आगे की छानबीन में पुलिस जो है वो जुटी हुई है। तो पुलिस ने सट्टेबाजों को गिरफ्तार कर लिया है मौके पर। दरअसल ये जो सट्टेबाज हैं इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस के हाथ हम ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि बड़ी सफलता हाथ लगी है, बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है। आगरा के थाना कमला नगर का ये मामला जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने जुआ और सट्टा खेलने वाले पांच लोगों को, पांच अभियुक्तों को पकड़ लिया है। शातिर सटोरिया अंकुश मंगल मौके से फरार होने में कामयाब रहा, हालांकि उसकी भी तलाश अभी पुलिस को जारी है और आरोपियों के पास से इस दौरान मोबाइल लैपटॉप समेत अन्य सामान जो है वो बरामद किया गया है। पुलिस आगे की जाँच पड़ताल में, मामले की आगे की जाँच में जुटी हुई है। और ये से खबर जहाँ पर अपर मुख्य सचिव और आबकारी आयुक्त के आदेश अनुसार विशेष अभियान चलाया गया। आबकारी विभाग ने अवैध मदिरा के खिलाफ अपील करके जन जागरण अभियान चलाया। बता दें कि जिले के संदिग्ध गांवों में ये अभियान चलाया गया। डीईओ ज्ञानेंद्र पांडे समेत टीम भी इस दौरान मौजूद दिखी। तो अवैध शराब के खिलाफ ये विशेष अभियान चलाया गया और ये से खबर आपको बता रहे हैं जहाँ पर जिले के संदिग्ध गांवों में यह अभियान चलाया गया। डीईओ ज्ञानेंद्र पांडे समेत तमाम जो टीम थी पूरी वो भी मौजूद रही इस अभियान के दौरान। तो ये विशेष अभियान चलाया गया है अवैध शराब को रोकने के लिए, अवैध शराब के जो कारोबार होते हैं उनको रोकने के लिए। तो अवैध शराब के खिलाफ ये अभियान चलाया जा रहा है, लगातार ये अभियान जारी है जहाँ पर अपर मुख्य सचिव और आबकारी टीम जो है वो आदेश अनुसार विशेष अभियान चला रही है। और आबकारी विभाग ने अवैध मदिरा यानी अवैध शराब के खिलाफ अपील करके जन जागरण अभियान चलाया है ताकि वो लोगों को जागरूक कर सके और लोगों के बीच में जा जाकर इस अभियान को सक्सेसफुल बना सके, इस अभियान को सफल बनाने का काम कर सके। तो जन जागरण अभियान इस दौरान चलाया जा रहा है। बता दें कि जिले के संदिग्ध गाँवों में ये अभियान चलाया गया है जहाँ पर ऐसे मामले ज़्यादातर सामने आते हैं, अवैध शराब के कारोबार के जो मामले हैं वो सामने आते हैं। तो ऐसे उन गांवों को चुनकर, उन गांवों को सिलेक्ट कर वहाँ पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है जो कि संदिग्ध कैटेगरी में जो गांव आते हैं उनमें ये अभियान पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। विशेष तौर पर अवैध शराब के काम को रोकने के लिए ये जो अभियान है ये चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि डीईओ ज्ञानेंद्र पांडे समेत टीम भी इस दौरान मौजूद रही है। तो लगातार अवैध शराब के खिलाफ ये विशेष अभियान जो है वो जारी है। और आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज के बाहर खड़ी एम्बुलेंस में भीषण आग लग गई। बता दें कि पहले कूड़े के ढेर में आग लगी जिसके बाद ये आग एम्बुलेंस तक पहुंच गई। आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। साथ ही आपको बता दें कि एम्बुलेंस में आग लगने का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। तो ये जो वीडियो है वो जमकर वायरल हो रहा है जहां पर एम्बुलेंस में आग लगी है, मेडिकल कॉलेज में खड़ी एम्बुलेंस में भीषण आग का मामला सामने आया है। आगरा से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर एसएन गेट के बाहर ये आग लगी है, एम्बुलेंस जो खड़ी थी उसमें आग लगी है। तो बता दें कि पहले कूड़े के ढेर में ये आग लगी थी दरअसल और उसके बाद ये आग एम्बुलेंस तक पहुंच गई। तो आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल भी देखा गया। एम्बुलेंस में आग लगने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। हालांकि आग के बाद मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम भी पहुंच गई है। तो मेडिकल कॉलेज की ये पूरी घटना, पूरा हादसा जहाँ पर बाहर खड़ी एम्बुलेंस में आग लग गई। दरअसल पहले ये आग जो है वो कूड़े के ढेर में लगी थी लेकिन एम्बुलेंस चूँकि पास में खड़ी हुई थी, गेट के बाहर ही खड़ी हुई थी, तो ये आग जो है वो फैलती फैलती इतनी ज़्यादा फैल गई और इतनी ज़्यादा बढ़ती चली गई कि ये एम्बुलेंस तक जा पहुँची। हालाँकि किसी के जानमाल का कोई नुकसान वाली खबर नहीं सामने आ रही है। तो आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज के बाहर एम्बुलेंस जो खड़ी थी उसमें भीषण आग लग गई। बता दें कि पहले कूड़े के ढेर में ये आग लगी थी लेकिन आग इतनी ज़्यादा बढ़ती चली गई जिसके बाद ये आग जो है वो एम्बुलेंस तक जा पहुंची और फिर आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। एम्बुलेंस में आग लगने का वीडियो हालांकि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है और मौके पर पुलिस तैनात नजर आ रही है।
फिरोजाबाद के थाना टूंडला क्षेत्र के ब्लॉक के बाहर सर्विस रोड का है ये मामला, जहां रुपए के लेन देन को लेकर दो दोस्तों में जमकर विवाद हुआ और फिर ये विवाद मारपीट में बदल गया। पीड़ित रिंकू ने बताया कि उसने कुछ दिन पहले दोस्त को 500 रुपए उधार दिए थे। कई दिनों से वो अपने पैसे वापस मांग रहा था, लेकिन उसका जो दोस्त है वो पैसे वापस नहीं दे रहा था, आनाकानी कर रहा था, जिसके बाद दोनों में मारपीट शुरू हो गई और ये जो विवाद है ये इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों में लात घूंसे चले, दोनों में मारपीट शुरू हो गई। दरअसल पैसों के लेन देन को लेकर दो दोस्तों में मारपीट हुई है और तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से दो लोग जो है वो पैसों के लेन देन में लड़ते नजर आ रहे हैं। तो फिरोजाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पैसे वापस ना देने के चक्कर में ये युवकों ने मारपीट शुरू की। ये लड़का जो मार रहा था क्यों मार रहा था? अरे सर मेरे पैसे हैं, पैसे नहीं दे रहा, करीब दो महीने से हो गए। कितने पैसे हैं? अरे 400-500 रुपया बस, और कुछ नहीं है। मार रहा है। कहाँ का है लड़का? टूल लगा नहीं रहता है। फिलहाल अपना उत्तर प्रदेश के इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।